अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट केक, और वो भी बिना ओवन के। इसके लिए हम लेंगे एक बोल, और इसमें ऐड करेंगे एक कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर और क्वार्टर कप पाउडर शुगर, 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन्हें हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में शक्कर को पीस लीजिए। अब हम एक दूसरे बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप तेल और 1/4 कप कंडेंस मिल्क, और इन्हें मिक्स करेंगे। तेल आप कोई भी रोज़ाना घर में खाने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/2 कप मिल्क। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हमारा तैयार करा हुआ फ्लावर मिक्स। ग्रेजुअली डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे, और बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। अभी हमारा केक बैटर एकदम रेडी है। हम तैयार करेंगे बेकिंग टिन। बेकिंग टिन को हमें अच्छे से ग्रीस करना है। ऑयल लगा देंगे इसे चारों तरफ से, और इसमें रख देंगे बटर पेपर, और बटर पेपर को भी तेल लगा देंगे। और अब हम इसमें पोर कर देंगे केक बैटर। इसे टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और कोई गैप ना रहे। अब हमें तैयार करना है ओवन। एक हेवी बॉटम वाला वेसल स्टव पे रख देंगे, और इसमें रखेंगे एक वायर स्टैंड, और इसे ढक देंगे और 4 मिनट तक गर्म होने देंगे। 4 मिनट बाद भी अच्छे से हीट हो चुका है। इसमें हम रख देंगे हमारा बेकिंग टिन, और इसे कवर कर देंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 40 मिनट तक बेक होने देना है। 40 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। केक अच्छे से राइज हो चुका है, एकदम रेडी लग रहा है। हम इसे चेक करते हैं कि ये अंदर से भी इतना अच्छा पका है या नहीं। एक टूथपिक या फिर नाइफ की मदद से आप चेक कर सकते हैं। टूथपिक क्लियर है, इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम तैयार करेंगे चॉकलेट गनाश। एक वेसल में पानी रख देंगे स्टव पर, और उसके ऊपर रखेंगे एक बोल, और बोल में हम डालेंगे चॉकलेट, और उसके ऊपर पोर करेंगे 2 टेबलस्पून दूध, और चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। अब ये चॉकलेट अच्छे से रेडी हो चुका है। हमारा चॉकलेट गनाश रेडी है। इसे आप चाहें तो फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। अभी हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड करेंगे। केक को ठंडा होने देना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर गर्म होगा तो वो मोल्ड से बाहर नहीं आएगा। एक प्लेट रखेंगे और फ्लिप कर देंगे। अभी हमारा केक अच्छे से निकल चुका है, बहुत ही मॉइस्ट और स्पंजी बना है ये, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अनइवन पार्ट को निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे हमारा तैयार करा हुआ चॉकलेट गनाश। अच्छे से हमें इसे फैलाना है। और इसे गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर रख देंगे चेरीज, और साइड से स्प्रिंकल कर देंगे कुछ स्प्रिंकलर्स, कलरफुल स्प्रिंकलर्स है ये।
आसानी से सुपरमार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए न्यू और आसान रेसिपीज़ के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी हमारा चॉकलेट केक एकदम रेडी है, हम इसे कट करके देखते हैं कि ये अंदर कैसे बना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।